हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज है 15 अगस्त और अभी बज चुका है 2। अभी मैं नहा के पूरा रेडी हो चुका हूँ। अभी हम जा रहे हैं किचन में, आज कुछ हम स्पेशल बनाने वाले अपने गर्ल्स पीजी में। तो गाइस, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और हमारे ब्लॉग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और वीडियो पर बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं आप लोग को कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर में, और देख सकते हो ये हमारे पीजी का छोटा सा किचन है। यहाँ पे किचन नहीं, यही किचन है। तो मैंने भैया से पूछा तो बोला गुलाब जामुन बना 15 अगस्त का स्पेशल। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जो कि 3 पैकेट हम बनाएंगे अभी। और ये एक पैकेट आधे किलो का है और एक किलो का है, तो ये 2 पैकेट है टोटल, 1.5 किलो का आज हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे तरह से हाथों से मिला लेना है, क्योंकि गिल्टी टाइप का रहता है। तो आपको अच्छे से इसको मिला लेना है, सूखा ऐसे ही, कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं आपको मिलाना है, सिर्फ दूध पैकेट लेके आना है, और जैसे आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आपको लगा लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, तो देख सकते हो मैंने आधा पैकेट डाला है। और आपको हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। तो देख सकते हो मैंने थोड़े इसमें थोड़ा दूध डाल के और धीरे हाथों से मिला रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो ऐसे ही आपको मिला लेना है, ज़्यादा आपको दम नहीं देना है, ठीक है। ऐसे ही धीरे आपको मिलाते रहना है, अच्छे से मिलाते रहना है। जितना आपको हल्के हाथों से मिलाओगे ना, उतने अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हो हाथ में चिपक रहा है, और यह आटा जब आपका मिक्स हो जाएगा ना अच्छी तरह से, तो यह हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा। तो देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, और इसको एक कवर से आपको पन्नी से ढक के छोड़ देना है 10 मिनट तक, जिससे ये सूखे ना, ठीक है। अच्छी तरह से आपको ढक देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे। हम जिस बर्तन में बनाएंगे उस बर्तन को आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद में इसमें पानी डाल लेंगे। तो हम तो बहुत बना रहे हैं, आप अगर बनाओगे ना तो आप थोड़ा ही यूज करना, ठीक है। तो हम देख सकते हो हम इतना बना रहे हैं, फुल बना रहे हैं इसमें। तो इसमें हम 2-3 किलो चीनी डालेंगे। तो देख सकते हो पानी डालने के बाद में क्या करेंगे, 4-5 इलायची डालेंगे इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, इलायची डालना है बस। उसके बाद में हम गैस ऑन करेंगे, इसको थोड़ा देर हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तो गर्म होने के बाद देख सकते हो मैंने चीनी ले लिया है 2-3 किलो, और ये बुलबुला छूटना स्टार्ट हो गया, तो इसमें चीनी डाल देंगे। आप जितना स्वीट खाओगे उसी हिसाब से आपको डालना है। तो देख सकते हो मैंने 2-3 किलो अंजाद लिया है चीनी, और इसको अच्छी तरह से हम बॉयल करेंगे कम से कम आधे घंटे तक, जिससे ये पाक बन जाए, ठीक है। उधर पाक हमारा बन रहा है, इधर हमने तेल गर्म होने के लिए रख देंगे, जिससे स्लोली गर्म होगा। तो हमने 3 पैकेट तेल लिया है, ठीक है, देख सकते हो मैंने 3 पैकेट, जल्दी जल्दी हम इसमें डाल लेते हैं 3 पैकेट तेल। तो यहाँ रुचि गोल्ड यूज होता है, देख सकते हो ये रुचि गोल्ड ऑयल है। तो यहाँ पीजी लाइन में यही तेल यूज होता है, अच्छा ऑयल है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा बेस्ट ऑयल है ये, हमेशा होटल से लेके पीजी तक यही ऑयल यूज होता है। तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो हम फटाफट 3 पैकेट ऑयल इसमें हम डाल देते हैं, और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस, देख सकते हो हमारा काटने का स्टाइल कितना अच्छा है। तेल डालने के बाद में इसमें क्या करेंगे, गैस पे स्लोली आंच पे हम छोड़ देंगे। आपको एक बात का हमेशा याद रखना है, आपको तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में रहना चाहिए। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमने आटा मिक्स किया था उसको हम गोली बना लेंगे। तो गाइस, देख सकते हो मैंने थोड़ा सा लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे साइज में गोली बना लेंगे। इसको जितना बड़ा चाहिए आपको उसी हिसाब से आपको बना लेना है, ठीक है। और आपको हल्के हाथों से इसको गोल गोल करना है। अगर हाथ में चिपकने लगे तो आपको थोड़ा सा तेल का यूज करना है, या नहीं तो थोड़ा सा घी यूज करना है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना अच्छे से मैं बना रहा हूँ, और बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद में मैं पूरा बनाने के बाद में 30-40 पीस बना लिया है। तो देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा सा बना है। और आपको तेल गर्म होने के बाद में देख सकते हो तेल भी गर्म हो चुका है, ज़्यादा मीडियम में आपको रखना है तेल, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है, फट जाता है। और देख सकते हो मेरा चीनी पानी भी रेडी हो चुका है, तो उसको हमने बंद करके ठंडा करना है पानी को आपको, और तेल को भी हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है मिला के। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गुलाब जामुन को, कम से कम 10 मिनट तक मीडियम आँच पे आपको मिलाते रहना है, ठीक है। आपको ये मिलाते रहना ही है, नहीं तो ये क्या होता है ना, बीच में वाइट आ जाएगा और साइड में लाल लाल हो जाएगा। तो आपको मिलाते रहना है हमेशा। तो देख सकते हो इसको हम 10 मिनट मीडियम आँच में पकाएंगे, और इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, जिससे अंदर में कच्चा ना रहे। क्योंकि जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं ना, तो अंदर में गुट्टी टाइप का आ जाता है, गल्टी टाइप का आ जाता है, ठीक है, छोटा छोटा पीस आ जाता है वाइट। तो इसको हमें अच्छे से पकाना है। तो देख सकते हो कितना अच्छे से पक रहा है, कहीं भी वाइट नहीं है। तो इसको और भी हम पकाएंगे,
और फाइनली 10 मिनट हो चुका है, तो इसको हम अभी हम पानी में डालेंगे। तो देख सकते हो ये पूरा रेडी हो चुका है अभी, इसको हम अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है ये, इसको हम पानी में डालेंगे। और जब भी आप चीनी पानी बनाते हो तो आपको गर्म में नहीं रखना है, आपको पानी को ठंडा करके गुलाब जामुन डालना है, ठीक है। तो देख सकते हो पानी ठंडा हो चुका है और इसमें हम धीरे धीरे पूरा हम डाल लेंगे। इसको हम कम से कम आधे घंटे एक घंटे तक छोड़ देंगे, जितना टाइम छोड़ेंगे उतना अच्छा है, आपको अच्छे से पानी पी लेगा ये, ठीक है। तो देख सकते हो पूरा डालने के बाद में हम इसको छोड़ देते हैं आराम से। और इधर इतना बनाना है हमको, देख सकते हो काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 घंटा लगेगा। और देख सकते हो बाकी आधे घंटे में 1 घंटे में ये पूरा बनेगा। तो अभी हम बना रहे हैं और उधर थोड़ा बन चुका है, और साइज चेक कर सकते हो अभी 10 मिनट में इतना बड़ा हुआ है, अभी और भी ये बड़ा होगा पानी पीने के बाद में। और हम 7 बजे बनाएंगे, 7 बजे इसको निकालेंगे, तो अभी तक ये 2 घंटे रहेगा पानी में, ठीक है। तो देख सकते हो फाइनली बन के रेडी हो चुका है हमारा गुलाब जामुन, और साइज चेक कर सकते हो आप लोग कितना अच्छा से स्मूथ बनाए, अगर आप टच करोगे तो फूट जाएगा। तो देख सकते हो अभी 7 बज चुका है, अभी लड़की आने वाले हमारे पीजी में खाने के लिए, हमने 3-3 पीस करके रख दिया एक एक गिलास में। तो देख सकते हो फाइनली रेडी हो चुका है, सबके लिए रेडी हो चुका है, सब अपना अपना लेके जा सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।